गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू मलाई चैनल। और आज हम आए यहाँ पार्क में, बच्चों के साथ छुट्टी है तो सोचा इनको यहाँ पे घुमा लेते हैं। तो यहाँ देखो काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं, ये देखो। और सब लोग कोई झूल रहा है, कोई घूम रहा है, कोई खेल रहा है, कोई स्केट कर रहा है, कोई बैडमिंटन कर रहा है, कोई बैट बॉल खेल रहा है। तो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो हम भी बस थोड़ी सी, हर हवा अच्छी चल रही है तो हवा का मज़ा लेने आ गए हैं। बहुत अच्छा हवा लग रही है, वैसे तो गर्मी इतनी हो रही है ना, कुछ नहीं होता। बस अब जाएंगे, थक गए, बैठ गए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे एक राउंड लगाया था, बस काफ़ी बड़ा पार्क है ये, तो एक राउंड लगा के हम लोग यहाँ बैठ गए थे। और अभी बस चलेंगे थोड़ी देर में, ये लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। और पाकी देखो, वो बैठी है, वो बैठी पाकी। वैसे तो सुबह सुबह आना अच्छी बात है, लेकिन ना सुबह रात को लेट सो के सुबह नहीं उठा जाता, थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है बस। लेकिन बच्चों के लिए आना पड़ा यहाँ पे। वैसे तो सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा रूटीन हम भी करेंगे, सुबह सुबह हम लोग आए करें घूमने। फ्रेश हवा लेनी भी बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। हम बस घर में बंद हो के रह गए हैं क्योंकि घूमना होता ही नहीं है। अब सोचा है कि चलो आए करेंगे हम थोड़ा थोड़ा सुबह को ना, एक राउंड तो लगा के ही जाया करेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे।
हम लोग पार्क से आ गए थे, तो पार्क से आने के बाद इतने थक गए थे, तो मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं बनी कि ब्रेकफास्ट बना ले, तो बाहर से ही मंगाए थे ब्रेड पकौड़े वगैरह। और संडे भी था, तो होता है कभी कभी कि बाहर से हो जाता है, तो थोड़ा मुझे भी रेस्ट मिल जाता है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी हालत ख़राब हो रही थी। बस ब्रेकफास्ट का ये इतना हैवी हो गया, तो लंच का बिल्कुल मन ही नहीं किया किसी को खाने के लिए, क्योंकि लेट काफ़ी किया हमने। उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह पड़ी हुई थी और वैसे भी कपड़े थे, तो मैंने बस ये प्रेस कर ली कि चलो मैं प्रेस का काम खत्म कर देती हूँ। एक तरफ से एक प्रेस का काम इतना भारी लगता है, जो काम जल्दी हो जाए तो उतना ही बेटर है। और मेरे को मलाई भी चलानी थी, तो लंच तो किसी ने ऐसा कुछ खास किया नहीं था, क्योंकि सब ने इतना लेट ब्रेकफास्ट किया 11-12 बजे के, या तो लंच का कोई वो ही नहीं पड़ा कि किसी को भूख लगी हो, इतने हैवी हो गए थे ब्रेड पकोड़े और ये ले आए थे, तो काफ़ी हैवी हो गया था। बस प्रेस करने के बाद उसके बाद मैं किचन में चली जाती हूँ और मैं मलाई चलाने लगती हूँ। मलाई चलाते हुए की रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर करी है, आप देखना मलाई से घी कैसे बनाते हैं, वो वीडियो मैंने डली हुई है ऑलरेडी चैनल पर। तो बस ये मलाई से मैं घी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं ये देखो कार्तिक बना रहा है मास्क। किस चीज़ का मास्क दिखाना, फेस दिखाना, फेस दिखाओ मुझे। ये देखो बढ़िया बन रहा है ना, अभी इस पर कलर वगैरह करेगा, जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब मैं दिखाती हूँ। लेकिन अच्छा कटिंग तो अच्छी लग रही है बिल्कुल, बनने के बाद अभी कलर वलर होके जब पूरा फाइनल होता है फिर मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसा लगता है। बना लो, ये देखो गाइस बन गया है कार्तिक का फेस मास्क, कितना प्यारा बना है, ऐसे निकल रहा है जैसे ना ओरिजिनल है ना, अच्छा लग रहा है ना। और सिर्फ ये गत्ते पे बनाया हुआ है इसने, कौन सी कार्टेज शीट वगैरह टाइप से होती है ये, वैसे तो इसने गत्ते का डब्बा लिया, उस शीट से भी बन जाती है। और ये वो है क्ले, ये क्ले से सारा इसका नोज वगैरह बनाया हुआ है, ये मूंछ और ये सब, और ये कलरिंग वगैरह की है, तो इस तरह से आप बना सकते। हाँ, फेस मास्क को जो इसको हैंगिंग करके घर के बाहर भी अपने लगा सकते हैं, हमें फेस लाने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे घर के बाहर हम लगाते हैं, तो इस तरह का ये बनाया है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे मैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और बस मैं कल का व्लॉग मैं एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि तबीयत हो गई थी खराब, आपको लग रहा होगा मेरे फेस से देखते से ही, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो गया, अभी भी है, अभी अच्छे से ठीक नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी, तो मैं एंड कर देती हूँ ब्लॉग का, बस थोड़ा इसीलिए इसको कंप्लीट करना था। मेरे हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, एकदम से बहुत सर में दर्द हो रहा है, तो मैं आज मेरे को फास्ट रखना था मंडे का, तो मैं फास्ट भी नहीं कर पाई हूँ, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर थोड़ी बहुत भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ओके बाय।